आई वॉज पेइंग फॉर द पार्किंग, और मेरे पास 500 का नोट था, ठीक है। तो मैंने उनको दिया और उन्होंने ना ऐसे ऐसे करके देखा, तो मैंने उनको देखा और उन्होंने मेरे को देखा, सर आप आए तो चेक करना ही पड़ेगा ना। आज किसी का मैसेज आया कि भाई 20,000 रुपए की जरूरत है, फोन पे कर दो, वापस कर दूंगा, नकली नोट भी चलेंगे। तो हम पार्टनरशिप में एक आश्रम खोल लेते हैं, मेरे को लगता है कि खूब छापेंगे, बिल्कुल छापेंगे, असली नोट छापेंगे, असली नोट छापेंगे। सो शी जस्ट सेज दैट एंड आई एम लाइक क्लियर इन माय हेड, शी इज लाइक यू आर गुड बट इट्स अ बैड फिल्म। सुबह सुबह क्या है, सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग कॉफी पीते हैं सुबह साथ में, तो वो बैठी थी और उसने बोला दिस इज फॉर यू। आई थॉट मैंने का कुछ नोट लिखा होगा, मैंने खोला तो उसमें लिखा था आई क्विट। आई क्विट का क्या मतलब, कहीं मेरे से नहीं हो रहा, गो फाइंड योरसेल्फ अ डिफरेंट मैनेजर नाउ। चाहिए होता ना बायोग्राफी के लिए, ऐसा कितनी तकलीफों से गुजरा ये शख्स। आई वाज काइंड ऑफ डन एंड डस्टेड विद दैट। आई डिडंट एंजॉय बीइंग ऑन द सेट बिकॉज आई जेन्युइनली फेल्ट दैट यू नो माय क्राफ्ट इज नॉट बीइंग ऑप्टिमाइज्ड ऑन। आई ऑलवेज फेल्ट दैट यू नो आई एम बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड। एंड मेरे को लगता है मैं बड़ा ज्ञानी बाबा हो जाता हूँ, तो मुझे कई लोग कहते हैं कि आप स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं कर लेते। फिर मेरे को कई लोगों ने अलग 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 ऐसे करियर के वो सजेशंस दिए, पर मैंने कहा मैं ये क्यों करूं, मेरी दुकान ठीक चल रही है एक्टिंग की। आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम व्हेन दे सॉ द शो, दिस इज लॉन्ग बिफोर इट हैड रिलीज्ड, ही कॉल्ड मी एंड ही इज लाइक ब्रो यू हैव किल्ड इट इन द शो। मैंने बोला ऐसे ऐसे करके, और पीछे से मीरा की आवाज़ें आ रही थी, वो शी वाज सेइंग अ फ्यू लाइंस, कह रही लुडक्रिस लुडक्रिस लुडक्रिस। मैनेजर का काम सब कुछ देखना होता है, तो मुझसे इनसे ज्यादा मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, और मुझे लगा दिस इज द एंड शी इज एजुकेटेड। मेरी पहली फिल्म जो थी ना आकाश, शुद्ध देसी रोमांस, उसमें मेरा जो नाम था कैरेक्टर का, उसका कोई नाम ही नहीं था। द हार्ड वर्क डेडिकेशन एंड टैलेंट दैट माय नेक्स्ट गेस्ट पोजेसेस इज फादरेस्ट फ्रॉम फर्जी, बट आयरॉनिकली फर्जी इज व्हाट हैज गिवन हिम द सक्सेस द रिकॉग्निशन द लव एंड एडलेशन दैट ही राइटफुली डिजर्व्स। Bhuvan Arora has been a name in the film industry for a long time, but today it's a name that everyone knows and talks about. And today it's my pleasure to be sitting in his company as he joins me for an exclusive conversation only on Bollywood Bubble. So firstly, congratulations on Farzi. Thank you, Akash. The show is doing wonders, and I must say ki, as we also previously discussed, that a friend's character always gets a little caricaturish or stereotyped in our industry. But you kind of came out of it, came out of the box. The role connected to people. Firoz is someone that people are now adoring prominently. And a huge credit for it goes to Rajan D.K. sir, also for the way have they written it. For you, firstly, to say yes to the role and then kind of get to live it. How was that experience and why did you say yes? I said yes to it in the first place because Rajan D.K. were making it. They are brilliant filmmakers and I've been like a huge fan, not just after I saw Family Man, but I think since the day I saw Go Goa Gone, in fact before that, Shore in the City was the first film of Rajan D.K. that I saw. Uske baad maine unki pehle ki do filmein jo thi, 99 of Flavors, wo dekhi, and I absolutely was in love with them and their craft and the kind of stories that they're willing to make. And they've always, you know, superseded themselves. Jo agla har product unka pichle product se better hota hai. To unka ek inherent क्वालिटी है, मुझे लगता है कि वो अपने आप को हमेशा मतलब पछाड़ के अगली चीज में आगे बढ़ जाते हैं। मेरी पहली फिल्म जो थी ना आकाश, शुद्ध देसी रोमांस, उसमें मेरा जो नाम था कैरेक्टर का, उसका कोई नाम ही नहीं था। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था रघुज फ्रेंड वन, ठीक है, और जो आप देखेंगे क्रेडिट्स में भी फिल्म क्या आता है, वो वही है, रघुज फ्रेंड वन। तो आई थिंक ये दैट नजरिया होता है हर डायरेक्टर का, कि उस रोल को कैसे डिपिक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा सिर्फ कैरेक्टर पे फोकस किया एंड दे सेड दैट यू नो भुवन आफ्टर दिस ट्रस्ट मी नोबडी विल एवर आस्क यू दैट व्हाट यू हैव डन इन लाइफ बिकॉज एवरीबॉडी विल यू नो यू आफ्टर दिस विल हैपन। तो ऐसे ही मतलब आपका जो डायरेक्टर की क्लैरिटी है वो सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है फॉर एनीबॉडी टू से यस और नो टू अ पार्ट। एंड पर्सनली विद मी आई हैड डन लॉट ऑफ फ्रेंड्स पार्ट्स for various reasons, but I was kind of done and dusted with that. I didn't enjoy being on the set because I genuinely felt that, you know, my craft is not being optimized on. I always felt that, you know, I'm being underutilized. But working with Shahid, and he comes like a, he's a star. Right.
and established star to work with him, the experience of it, how was it, and how was it building the camaraderie, because it showed greatly on screen. Right. So off screen also it must have developed a little that way. So how was that experience for you? So see, this point was also raised while we were at the screening, and you know, there was a small Q&A session that happened before the screening, and we were all, obviously the actors of the show were standing and we were addressing the audiences, and us time pe bhi jo hamare udhar MC the unhone unko bola ki, you know, I'd like to call the superstar and the talents. Apart from Shahid bhai, he addressed everybody else's talents, and he very gracefully said that, you know, we are all talents. Yeah. Nobody is a superstar. We are all equals here. So I think that is the kind of clarity he always had. You can't take away from his stardom, right? Yeah. I'm too fresh, too young to be taking away from his stardom. He has his audience. He has those fans who are just, I feel that, you know, a lot of people just came in to see the show because it had Shahid Kapoor and Vijay Sethupathi in the first place. So they've earned it over a period of time. You can't take that away from him. And I think that also puts you in a space where you feel secure. Yeah. Right? And ye aapko direction khud choose karni padegi. Aap usko leke secure ho rahe ho ki insecure ho rahe ho. And as far as I know, Shahid bhai, he's very secure like that. तो उन्होंने खुद भी कभी ऐसा फील नहीं कराया. तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी सेफ स्पेस फॉर अ को एक्टर. एंड वी वर ऑलवेज लाइक बडीज चिलिंग ऑन अ सेट. वी वुड ऑलवेज हैंग अराउंड. यू वुड कम टू माई वैन. वी वुड सिट. वी वुड टॉक. एंड यू नो, वी वुड टेक ईच अदर सजेशंस एंड फीड ऑफ ईच अदर. एंड विच इज वाई आई थिंक इट केम आउट ब्यूटिफुली. तो वो चीज़ आई थिंक उनकी क्रेडिबिलिटी, सॉरी उनको क्रेडिट जाता है और मैं उनसे छीन नहीं सकता इस चीज़ को. बट यू मेंशन लाइक शुद्ध देसी रोमांस, लाइक इट्स बीन 10 इयर्स इन द इंडस्ट्री फॉर यू. दिस ईयर मार्क्स अ डेकेड फॉर यू इन द इंडस्ट्री. लेट्स से 10 इयर्स. डेकेड साउंड्स अ लिटिल ओल्डर. 10 इयर्स इन द इंडस्ट्री, व्हाट हैज बीन लाइक द टर्निंग पॉइंट फॉर यू? एंड आई एम नॉट सेइंग प्रोजेक्ट वाइज, बट मे बी अ डिसीजन यू माइट हैव टेकन और समथिंग दैट यू फाइनली let go of, or something that you think kind of changed the course of your career for you in these 10 years? See, you know, what is the biggest learning for me in these 10 years that I've spent in Bombay is that you don't need to get attached to anything that you do. Success, appreciation, they're all byproducts of the job that you love to do. Okay. So this is my biggest learning in my journey, ki aap apna kaam kijiye aur baki upar wale ke haath mein chhod dijiye. क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, और जितना आप उसको पोजेस करने की, वो आपने दिल चाहता है मैं डायलॉग सुना होगा ना कि रेत की तरह आप उसको जितना दबाने की कोशिश करोगे उंगलियों के बीच से उतनी फिसलती जाती है. ये इस तरीके की चीज़ होती है. तो उसको आप ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए. अपना काम ईमानदारी से कीजिए और आगे बढ़ जाइए. तो मैं टर्निंग पॉइंट कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि चाहे रोल एक सीन का हो या 10 सीन का हो, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया. अब उसको कितना चलना है, लोगों से कितना प्यार मिलना है, वो ऊपर वाले के हाथ में, और उनके हाथ में छोड़ दो. देने वाला जब देगा देगा छप्पड़ फाड़ के. एंड आई फील विद इट्स हैपनिंग विद फर्जी. पीपल आर फाइनली यू नो रिकॉग्नाइजिंग द हार्ड वर्क दैट आई पुट इन ओवर द कोर्स ऑफ इयर्स. एंड या इट्स पेइंग ऑफ यार. शो में सनी हैज दिस वियर्ड आईडिया ऑफ प्रिंटिंग फेक नोट्स. कभी रियल लाइफ में हैज एनी ऑफ योर फ्रेंड प्रपोज्ड एनी एब्सर्ड आईडिया टू यू? आकाश, पता है हमें शो जब शूट कर रहे थे, पहले मुझे पढ़ने में लगा यार ये कैसे हो सकता है. ये कैसे हो सकता है यार, ठीक है कि दो लोग मिलकर नोट ही छापते. फिर हमें ना एक ट्रेनिंग दी गई जहाँ पे हमें बताया गया कि दिस इज एक्चुअली पॉसिबल. एंड देर इज अ पर्सन हुज डन दैट ऑलरेडी. वी सॉ डॉक्यूमेंट्रीज, वी सॉ सो मेनी स्टफ ऑन यूट्यूब. वी एक्चुअली वो सब जो आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, हमने एक एक शॉट खुद दिया है. हाथ का शॉट, मशीन चलाने का शॉट, हमारी शक्ल नहीं भी दिख रही होती, गम लगाने का शॉट, सैंडविच नोट का शॉट, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी है. और वो सच है यार. तो अगर आप कहें हाँ मेरे पास उस तरीके की रिसोर्सेज नहीं है, और ना ही मैं किसी को इनकरेज कर रहा हूँ काम करने के लिए, आप अपने घर पे जाइए. और एक एक्चुअली ये कुछ तो भी डिस्क्लेमर होना चाहिए. ये आजकल ये चला भी हुआ है. कोई एक वहंग जिन्होंने ना ये रील बनाया था कि आफ्टर वॉचिंग फर्जी वो अपने घर पे नोट बना रहे हैं और ऐसे करके. और मैंने उसको शेयर भी किया था, मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगा था वो. तो अपने घर पे उन्होंने स्केच वेच किया नोट, और वो गए दारू की दुकान पे, जैसे हमारे शो में दिखाया गया, लिकर शॉप पे जाते हैं देखते हैं, और उनको मारने के लिए भागते हैं, जैसे वो फिर उसको मारने के लिए भागते हैं पहले सीन के अंदर. तो वो ऐसे करके है. लेकिन दिस इज पॉसिबल यार आकाश. बट ऑब्वियसली हमारे पास उस तरीके की रिसोर्सेज नहीं है, और ये इलीगल काम है. ना ही करें आप जेल में पाए जाएंगे. बट कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी फ्रेंड ने कोई भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग इलीगल इन सेंस, बट कभी कोई ऐसा एब्सर्ड आइडिया प्रपोज किया हो? नहीं, बट मेरे साथ ये जरूर हुआ है. कल पता है मैं कहीं जा रहा था, एंड मैं उस पर था, आई वॉज पेइंग फॉर द पार्किंग, और मेरे पास 500 का नोट था, ठीक है. तो मैंने उनको दिया, और उन्होंने ना ऐसे ऐसे करके देखा,
तो मैंने उनको देखा और उन्होंने मेरे को देखा, सर आप आए तो चेक करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने बोला यार ये तो ठीक नहीं है, लेकिन अब मेरे को टेंडेंसी ये जरूर हो गई है कि मेरे को कोई नोट देता है ना अगर, तो मैं भी खुद पहले फील करके देखना पड़ेगा। डर बिठा दिया अंदर की नोट निकली तो पता चला मेकर्स पैसा दे रहे हैं उसको भी चेक कर रहे हैं। नहीं वो तो क्या ऑनलाइन ट्रांसफर था, शुक्र है। बट कभी आपको ऐसे जिंदगी में कभी कोई ऐसे वियर्ड से बिजनेस आइडियाज आए कि कभी ये भी ट्राई करके देखते हैं? यार नहीं, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है कि यार आप ये करिए, तो मैंने लॉकडाउन के अंदर ना एक बिल्ली की आवाज निकाल के वीडियोस बनाने शुरू करे थे। तो मेरे पास एक कैट है, आई हैव अ पेट कैट एट होम, एंड उसकी आवाज निकाल के हम वीडियोस बनाते थे। तो मुझे वो लोग बोलते थे, मैं जाती जीवन में भी जैसा हूँ ना, मुझे लोगों को हंसाना जोक्स मारना बहुत पसंद है। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि आप स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं कर लेते। फिर मेरे को कई लोगों ने अलग 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 ऐसे करियर के वो सजेशंस दिए, पर मैंने कहा मैं ये क्यों करूं, मेरी दुकान ठीक चल रही है एक्टिंग की। मतलब बाय गॉड्स ग्रेस आई एम कंफर्टेबल, आई एम अर्निंग वेल, बट व्हाई शुड आई डू दैट इन द फर्स्ट प्लेस। तो मुझे लोगों ने बहुत बोले हैं ऐसे अलग अलग बिजनेस सजेशंस, बट नहीं मेरे को अपने से तो नहीं आया। मुझे लगता नहीं, मेरे को लगता है कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ अच्छे से कर पाऊंगा। मैं इतना घुस चुका हूं उसके अंदर कि अब मेरे को लगता है कण कण में बस गई चुकी है मेरे वो, और मैं कुछ और करने जाऊंगा तो आई थिंक आई एम गोना फेल मिजरेबली। नहीं वो तो सही है, बट आई एम नॉट श्योर कि यू विल फेल मिजरेबली, बट एक्टिंग वाला पार्ट तो आया नहीं, ऐसे वो हम्बल होके बोलना पड़ता है। बट हाउ वाज योर वाइफ्स रिएक्शन टू द शो? ग्रेट यार, आई थिंक शी इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल हु टेल मी द ट्रूथ यार। शी वॉचेज एवरीथिंग दैट आई डू, एंड समटाइम्स शी जस्ट लीव्स इट मिडवे, शी इज लाइक बेबी इट्स नॉट वर्थ इट, सो शी जस्ट सेज दैट एंड आई एम लाइक क्लियर इन माई हेड, शी इज लाइक you were good but it's a bad film. So I, and I remember, you know, she also used to manage me back in the day. So she's always been very honest and very encouraging, and I think main kisi ke liye star banu ya na banu uski nazar mein sabse pehle main star hu, aur star bhi nahi matlab little achievements of life, and she's seen my struggle also, you know, so closely. So she understands, and there is nobody who motivates me, encourages me the way she does, and I feel that's something I share with Shahid bhai also. He has a great bond with Meera, and she's also exceptionally sweet. And I remember first time when they saw the show, this is long before it had released, he called me and he's like, bro, you've killed it in the show. And I said, bhai, you're just saying it, and I'm not going to believe it till the time I don't see it myself. He's like, no, I'm telling you, take my word for it. Tu kaise bolta rehta mere ko bada bhai, maan na meri baat. तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करके, और पीछे से मीरा की आवाजें आ रही थी, वो शी वाज सेइंग अ फ्यू लाइंस के रे लुडक्रिस लुडक्रिस लुडक्रिस, सो आई हर्ड दैट एंड दे आर ऑल दे आर वेरी स्वीट, सो आई सी दैट दे आल्सो हैव दैट काइंड ऑफ इक्वेशन, एंड आई फील दैट आई आल्सो रिलेट टू दैट इन अ बिग वे, बिकॉज़ आई हैव दैट बॉन्ड विद माय वाइफ आल्सो, शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी मैन। या So what you found out, manage करते करते प्यार हो गया? नहीं नहीं, प्यार पहले हुआ, बाद में मैनेजमेंट आया। मैनेजमेंट इसलिए आया क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, और ठीक है वो थोड़ा काम का प्रेशर कम था सबके ऊपर, तो वो बीच में हो गया, और उस टाइम पे मेरे को लगा था कि यार मेरे से बेहतर इनसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता जिस तरीके की मेरी जरूरत है, हाउ मच डू आई डिजर्व मॉनेटरली, क्योंकि मैनेजर का काम सब कुछ देखना होता है, तो मुझसे इनसे ज्यादा मुझे कोई समझ नहीं पाएगा, और मुझे लगा दिस इज द एंड शी इज एजुकेटेड, शी इज फॉर्मली done her management degree and all of that, so I think वो मेरा decision था इसको लेने के। But personally तो manage हो ही रहा था life, but professional भी जब उससे घुस गया, was there a difference in the equation after that? Not really यार, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, but उन्होंने थोड़े time पहले resign कर दिया, मुझको बोला एक paper पे लिखा I quit, और मुझे बोला ये लो, मैंने बोला ये सुबह सुबह क्या है, सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग कॉफी पीते हैं सुबह साथ में, तो वो बैठी थी और उसने बोला दिस इज फॉर यू, आई थॉट मैंने का कुछ नोट लिखा होगा फर्जी, रिलीज होने से थोड़े टाइम पहले की बात है, तो उसने बोला कि ये दिस इज फॉर यू, मैंने बोला क्या है, मैंने खोला तो उसमें लिखा था आई क्विट, आई क्विट का क्या मतलब, कह रही मेरे से नहीं हो रहा, गो फाइंड योरसेल्फ अ डिफरेंट मैनेजर नाउ, आपने बोला नहीं गलत टाइम पे छोड़ दिया, फर्जी की बात यू शुड सेड। नहीं नहीं, अब मेरे लिए क्या बदलना यार, सर धनलक्ष्मी तो वहीं जाने वाली है, सब यहाँ से आए वहां से आए, आने तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब खर्चा तो सब वहीं से जाना है। एग्जैक्टली, बट यू आल्सो मेंशन लाइक ना योर स्ट्रगल पीरियड शी वाज विद यू, बट ड्यूरिंग दैट स्ट्रगल पीरियड व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट केम योर वे, एंड व्हाट वर द बिगेस्ट काइंड ऑफ रोड ब्लॉक्स? कभी ये जर्नी में स्ट्रगल लगा ही नहीं यार, मतलब मेरे पास कोई सॉब स्टोरी नहीं है,
जो हम सच्ची कह रहा हूँ मैं, वैसे वो क्या कहते हैं रॉकस्टार देखिए ना आपने, तो उसमें कहता है यार मेरे तो घर वाले वो दर्द की जरूरत है, मेरे में ऐसा है कुछ है, कोई मटेरियल ही नहीं है। तो मुझे लगता है कभी कभी अगर भगवान की दया से अगर मैंने लाइफ में उतना अचीव कर लिया कि बायोग्राफी लिखने की नौबत आ जाएगी तो मैं क्या लिखूंगा। मैं रोज सुबह उठता था, इस काम में मजा आता था तो मैं करता था, फिर मुझे काम भी मिल गया और मैंने कर भी लिया, फिर पैसे भी आने लग गए, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं रोने वाला एलिमेंट। और चाहिए होता ना बायोग्राफी के लिए, ऐसा कितनी तकलीफ गुजरा ये शख्स, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे काम में मजा आता था, मैं करता जाता था और टच वुड लोगों को अच्छा लगता था, वो काम देते थे, वन थिंग लेड टू अनदर थिंग। तो मुझे ये स्ट्रगल, मैं इस वर्ड से रिलेट नहीं करता और मुझे एक्चुअली ना बीच में गुस्सा आने लगा था जो एक्टर्स खुद को भी स्ट्रगलिंग बोलते थे। तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप स्ट्रगलिंग मत बोलिए, स्ट्रगल हर बंदा कर रहा है, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो सब, ठीक है आप सर स्ट्रगल नहीं कर रहे, ये स्ट्रगल नहीं कर रहे, एवरीबॉडी स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, यू नो कॉर्पोरेट सेक्टर ले लीजिए, मीडिया सेक्टर ले लीजिए, हर एक की लाइफ में अपने लेवल ऑफ स्ट्रगल्स हैं। इट्स जस्ट दैट कि एक्टर्स लाइमलाइट में इतना रहते हैं तो उनकी स्ट्रगल्स को ऐसे मतलब एस्केलेट कर दिया जाता है कि ओ देखो इनका ये, सो दैट्स व्हाट आई फील जेन्युइनली। या आई कंप्लीटली मेरे को लगता है मैं बड़ा ज्ञानी बाबा हो जाता हूँ। You should make a post like this. I will use it as a thumbnail. Post में मेरे ऊपर एक हेलो लगा, हेलो लगा के मैं करूंगा एक बढ़िया सा, वो एकदम वो होता नहीं थोड़ा सात्विक म्यूजिक, सात्विक म्यूजिक पीछे चलेगा, एक बांसुरी बज रही है कहीं साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो पीछे बैकग्राउंड चल रहा होता है चेन्नई बांसुरी टाइप का कुछ। पूरा 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 हम ऑरा बनाएंगे, वो पूरा एनवायरनमेंट बनाएंगे। हाँ, तो उसको थोड़ा सा एक सेगमेंट रख देना ताकि कल को अगर बाबा बाबा की लाइन में भी जाना हो मुझे तो मेरा रास्ता एक ही करियर, ये करियर हम रखेंगे, ये करियर ऑप्शन रखते हैं बिल्कुल। बट जैसे आफ्टर फजी लाइक यू हैव गॉट अ टन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, बट इज देयर सम रिस्पांस दैट यू हैव रिसीव्ड दैट काइंड ऑफ स्टेड विद यू? Arey, I just got a message a couple of days from Karan sir, Karan Johar sir, and I jumped off the bed and I was like, oh my god, is this even happening? And I've gotten a lot of response, but I'm a huge Karan Johar fan. I love the films that he's made, right? And I've grown on them. Theek hai, I have, my childhood has gone watching those films and loving those films and being a, wanting to be a part of those films. So when he messaged and I met him recently, very graceful of him to, you know, give me his time. And I met him and he, I just went inside and I said, sir, this is such a mar jaau ya jeelu zara moment for me. Theek hai, because I've always been like a huge admirer of his work. And yeah, that was very motivating. A lot of messages have come from the industry and a lot of people who I genuinely, you know, think of as great filmmakers, producers, they've reached out and they've said good things. And I think इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता यार। और जनता से इतना प्यार मिलता है, people are making like memes, sketches बना रहे हैं लोग, ठीक है ये सब तो मैं देखता था कि दूसरों के लिए हो रहा है, अब ये मेरे साथ हो रहा है तो मेरे लिए भी थोड़ा अनबिलीवेबल है। मैं नया हूँ इस चीज में, बट आई थिंक मैं आदत डाल लेता हूँ। पता चला एक्टिंग ऑफर्स के साथ प्रिंटिंग प्रेस से ऑफर्स भी आ रहे हैं मुझे एक्चुअली। मैं यार आकाश मैसेजेस आते हैं कि आज किसी का मैसेज आया कि भाई 20,000 रुपए की जरूरत है, फोन पे कर दो वापस कर दूंगा, नकली नोट भी चलेंगे। क्या बोलूं अब इस चीज को, और किसी लोगों को कहते हैं कि भाई ये प्रिंटर कहाँ से मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। सप्लायर भी सप्लायर बना दिया मुझे इन्होंने प्रिंटरों का। यू स्टार्टेड योर करियर विद अ यशराज फिल्म, बट इट टुक अ वाइल टू गेट योर नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट दैट काइंड ऑफ शोड योर काइंड ऑफ क्राफ्ट। Was it a little disheartening in that sense because you started with like a premier production house in the country, right? But then it didn't kind of materialize in the way that one might hope. It didn't materialize to something magnanimous or huge as Farzi, but it always led to something. It never went waste. When I did Shuddh Desi Romance, Amit Sharma ji, who made Tevar, he saw that film and he said that I liked what you did in that film. Would you like to be a part of my film? So everything that I did led to something else. And that's why I'm saying I have no sob story. Because whenever I performed, by God's grace, even if the film hasn't worked, nobody has said bad things about me. In fact, a lot of times the people have said terrible things about the film and they've praised me. So that's never my intention, right? But I feel that aisa kuch hai nahi yaar, jahan pe mujhe lage ki man nahi kar raha yaar abhi kaam karne ka. Theek hai, main demotivated feel kar raha hu. वैसा नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये आपकी पर्सनल अप्रोच पे मैटर करता है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को ऐसे जहन में लगा के ले लें कि हाँ यार ये तो हो ही नहीं रहा, आप ना जब अपने लिए एक टाइमलाइन सेट कर लेते हैं ना तब आप डिफ़िकल्टी में आ जाते हैं। मैंने कभी डेडलाइन या टाइमलाइन सेट ही नहीं करी कि मुझे 5 साल में ये कर लेना है।
मुझे 10 साल में यहाँ पहुँच जाना है, 15 साल में मेरे पास 3 बंगले 2 गाड़ियाँ 7 नौकर होने चाहिए। सब कुछ भी नहीं था मेरे लिए, मुझे सिर्फ इतना पता था मैं सुबह उठता था मैं खुश था, मैं जो कर रहा था खुश था, मैं आगे भी जो करूँगा मैं खुश रहूँगा, ठीक है। और मुझे सिर्फ अच्छे काम की भूख थी, वो मुझे हमेशा नहीं मिला, लेकिन जब जब मिला मैंने कोशिश किया कि मैं उस मौके को ज़ाया ना करूँ। तो दैट्स अबाउट इट यार, एंड आई फील इफ़ यू कीप दैट अप्रोच। मैंने एक अल पचिनो का भी कोट पढ़ा था, अगेन अ लिटिल बिट ज्ञान, बट ही सेड दैट यू नो एक्टर्स शुड नेवर एक्सपेक्ट और यू नो सीक गेटिंग रोल, यू शुड टेक एवरी ऑडिशन एज अ चांस टू परफॉर्म, एंड व्हेन यू टेक दैट एज अ चांस टू परफॉर्म यू जस्ट परफॉर्मिंग। आप जब काम करते हो उसको परफॉर्मेंस करो, हाँ मैंने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी, उसका अगर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट निकल रहा तो अच्छी बात है, नहीं निकल रहा तो आपने अपना काम शिद्दत से कर दिया है। सिर्फ वही सोचो वही करते रहो, और मैं फिर वही कह रहा हूँ ये आपको बहुत लंबे रास्ते तक भागने के लिए एनर्जी देगा, दिस इज फ्यूल फॉर यू टू रन। ट्रू ट्रू, बट आई फील लाइक यू शुड गिव अ पोज लाइक दिस एंड देन वी विल कट द इंटरव्यूज, इसको थंबनेल बना लेंगे, ये तो थंबनेल बनेगा ही, पर मैं कह रहा हूँ मैं ना ऐसे क्लिप्स काटूंगा जहाँ जहाँ भी ज्ञान की बातें हुई है, एंड देन वी कैन मेक अ कोलेटेड वीडियो एंड वी कैन से सत्संग विद। हम फिर आप बिजनेस की बात कर रहे हो, हम पार्टनरशिप में एक आश्रम खोल लेते हैं, मेरे को अरे खूब छापेंगे, बिल्कुल छापेंगे, असली नोट छापेंगे, असली नोट छापेंगे। थैंक यू सो मच, विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लक फॉर एवरीथिंग यू डू इन फ्यूचर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस Farzi, यू डिजर्व द बेस्ट इन गेटिंग इट, एंड आई एम श्योर इट्स गोना गेट बिगर एंड बेटर। बिग 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 थैंक यू, थैंक यू सो मच, हैड अ ग्रेट टाइम, होप यू हैड अ गुड वन टू। चलो वील हग, कैमरा में हमारी कमरे दिखेंगे बस। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। हाय, माय नेम इज भुवन अरोरा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड बबल। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माय लेटेस्ट सीरीज Farzi ओनली ऑन Amazon Prime।